Hey, what's up gamers? तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के अपडेट का प्ले स्टोर पर ना आने के प्रॉब्लम के बारे में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा, तीनों की तीनों मैंने ट्राई करके देख ली हैं। तो गाइस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जब PUBG मोबाइल का मीरामार अपडेट आया था तब मैंने इसी प्रॉब्लम को लेकर वीडियो बनाया था एंड अभी वो वीडियो मेरे चैनल पे है। एंड मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं क्योंकि दो तरीके उस वीडियो से ही मैंने लिए हैं गाइस। तो जब इंडियन ट्रेन सिमुलेटर में अपडेट आता है तो बहुत ज़्यादा लोग उसे प्ले स्टोर से अपडेट कर रहे होते हैं या फिर पहली बार इंस्टॉल कर रहे होते हैं, वो तो इतना ज़्यादा लोड को प्ले स्टोर हैंडल नहीं कर पाता है एंड उसका सर्वर क्रैश हो जाता है समटाइम्स। तो इसीलिए आपको अपडेट का प्रॉब्लम आता है गाइस। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहला तरीका बता देता हूँ। तो पहला तरीका ये है कि आप इंडियन ट्रेन सिमुलेटर को किसी एक्सटर्नल सोर्स से डाउनलोड कर लो, लाइक APK प्योर, एप्टॉइड एक्सेट्रा। तो इस मेथड में गाइस आपको इंडियन ट्रेन सिमुलेटर को किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से डाउनलोड कर लेना है एंड डाउनलोड करने से पहले आपको ये देखना है कि ये इस गेम का अपडेटेड वर्जन है या नहीं, मतलब बिल्कुल नया वर्जन है या नहीं, एंड उसके बाद ही डाउनलोड कर लेना है गाइस एंड उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। एंड इन सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो एग्जिस्टिंग ITS है उसमें आप लॉग्ड इन हैं ताकि आपका डेटा लॉस ना हो। प्ले स्टोर पर अपडेट लाइव होने के बाद मैक्सिमम एक हफ्ते के अंदर इन सभी एक्सटर्नल सोर्सेस में ये गेम आ जाता है गाइज एंड आपको भले ही वेट करना पड़े लेकिन आपका गेम तो ज़रूर अपडेट हो जाएगा। स्पीकिंग ऑफ द नेक्स्ट सॉल्यूशन, ये पहले वाले मेथड से थोड़ा डिफिकल्ट है गाइज। तो इसके लिए आपको एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी एंड आपका नेट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाकर आपको ढूंढना है गाइज एप्लीकेशंस या फिर ऐप मैनेजर को एंड उसके अंदर जाकर आपको गूगल प्ले स्टोर को सर्च करना है। एंड जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शंस हाईलाइटेड नज़र आएंगी। पहला वाला होता है फोर्स स्टॉप एंड दूसरा वाला होता है अनइंस्टॉल अपडेट्स। तो यहाँ पर गाइज आपको अनइंस्टॉल अपडेट्स के ऊपर क्लिक कर देना है एंड इसके पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल में एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन हो, वो वाईफाई भी हो सकता है या फिर डेटा नेटवर्क भी चलेगा। एंड इसके बाद गाइज आपको दो बार ओके प्रेस कर देना है एंड आपका अनइंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड इसके बाद ऑटोमेटिकली प्ले स्टोर जो है वो डाउनलोड करने लगेगा अपने अपडेट्स को। एंड जब अपडेट कंप्लीट हो जाए आपको गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है गाइज एंड ओपन करके वहाँ पे सर्च करना है इंडियन ट्रेन सिमुलेटर, आपको अपडेट का बटन दिख जाएगा। अगर ये सब करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो लास्ट मेथड से तो सॉल्व हो ही जाएगा गाइज। तो चलिए मैं आपको फटाफट उस मेथड को भी बता देता हूँ। द लास्ट एंड द मोस्ट रिलायबल मेथड इज टू वेट। तो गाइज जब तक आपके मोबाइल में ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाता है प्ले स्टोर पर ही आप सिंपली वेट कर लो। तब तक गाइस आप खेल सकते हो इस गेम का ओल्ड वर्जन या फिर किसी दूसरे गेम को खेल सकते हो। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, एक या दो हफ्ते के अंदर मैक्सिमम प्ले स्टोर पर आपका अपडेट आ ही जाता है एंड इस मेथड में आपको वायरस या फिर मैलवेयर की चिंता नहीं करनी होती है एंड मेरे ख्याल से ये बेस्ट मेथड है गाइज। एंड आप तो जानते ही हो सब्र का फल मीठा होता है एंड इसके ऊपर मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला गाइज, आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस बहुत लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया है फॉर वॉट एवर रीज़न, इस वीडियो को आप एक लाइक दे दो यार। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं एंड आप एक गेमर हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो एंड इफ सब्सक्राइब करते ही हो तो बेल आइकन दबा देना एंड इस वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना गाइस ताकि वो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। एंड गाइस दैट्स इट, आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ बी गेमर।
जय हिंद, वंदे मातरम, मेरा भारत महान।